तो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम बना सकते हैं टीवी रिमोट कंट्रोल साइकिल कुछ इस तरीके की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये साइकिल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है डीसी गियर मोटर। इसके ऊपर मैं हॉट ग्लू गन की मदद से एक आइसक्रीम स्टिक चिपका दूंगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने ले लिया है एक 18650 रिचार्जेबल बैटरी का सेल होल्डर, क्योंकि हम इसमें रिचार्जेबल बैटरी इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि हम इसे रिचार्ज करके इस्तेमाल कर पाए और हमारी बैटरी कभी भी ख़त्म ना हो। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर चिपका लिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पर मैंने दो टायर ले लिया है छोटे छोटे, आप चाहो तो इसकी जगह बॉटल कैप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने कुछ मेटल के स्टिक्स ले लिया है। ये मेटल के स्टिक्स काफ़ी छोटे हैं आप देख सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो इसे मैं टायर के बीचों बीच कुछ इस तरीके से लगाने वाला हूँ। दोनों टायर में मैं इसे लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद दोस्तों इन दोनों टायर्स को हम जो गियर मोटर है उनके शाफ्ट में कुछ इस तरीके से अटैच कर देंगे। अब ये हो जाने के बाद दोस्तों आगे वीडियो में बढ़ते हैं। आगे इसमें मैं बताना चाहूँगा कि छोटे टायर मैंने इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो यहाँ पे भी बॉटल कैप का इस्तेमाल कर सकते हो। हॉट ग्लू गन की मदद से मैं एक टायर के ऊपर एक टायर को कुछ इस तरीके से चिपका दूंगा ताकि ये एक मोटा टायर बन जाए। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने ले लिया है मेटल की छोटी सी स्टिक। अब इस स्टिक की मदद से मैं बनाने वाला हूँ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसमें हमारा आगे वाला टायर जो है फंस जाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो उसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। प्लायर की मदद से आप इसे बना सकते हो। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आप लोगों को समझ आए। तो ये जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। मैं थोड़ा सा इसे बेंड कर लूँगा ऊपर से, हमारा स्ट्रक्चर जो है रेडी है। अब इसमें टायर हम लगा कर देख सकते हैं। तो देखिए टायर इसमें काफ़ी अच्छे से फिट आ रहा है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने वापस से एक छोटी सी स्टिक ले लिया है मेटल की और उसे मैं कुछ इस तरीके से बीचों बीच फंसा के कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो एक हैंडल की तरह मैंने बनाया है, साइकिल के हैंडल की तरह। हमारा आगे वाला पार्ट बनकर रेडी है, हम इसे आगे की ओर हॉट ग्लू गन की मदद से चिपका देंगे। अब यहाँ पर मैं डेकोरेशन के लिए छोटी सी एक मेटल की स्टिक लेकर चिपका रहा हूँ ताकि वो कुछ साइलेंसर की तरह दिखाई दे। अब इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पर। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के लिए आपको एक छोटा सा कंपोनेंट बनाना है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो गाइज इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए BD140 ट्रांजिस्टर, उसके बाद हमें चाहिए 1738 नंबर का एक IR रिसीवर, और उसके बाद हमें चाहिए एक कैपेसिटर जो कि 470 माइक्रोफेरेड 16 वोल्ट का है। इस तीन कंपोनेंट की मदद से हम अभी ये सर्किट को बनाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का जो चमकीला हिस्सा है उसे हम सबसे पहले हेल्पिंग हैंड में अपने ऊपर की तरफ फेस करके लगा देंगे। यहाँ पर जो हमारा IR रिसीवर है इसमें जो उभरा हुआ हिस्सा है उसे हम ऊपर की तरफ फेस करके ठीक डायरेक्टली इस ट्रांजिस्टर के ऊपर इन पिंस में कुछ इस तरीके से शोल्डर कर लेंगे। लेकिन उसके पहले जो हमारे ट्रांजिस्टर का बीच वाला लेग है उसे हम नीचे की ओर बेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से प्लायर की मदद से। देखिए इस तरीके से आपको बेंड करना है क्योंकि हमारे बीच का जो लेग है उसे हमें शोल्डर नहीं करना है। सेम इसी तरीके से जो IR रिसीवर है उसका जो बीच वाला लेग है उसे हमें ऊपर की तरफ बेंड करना है कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों हम डायरेक्टली इसे इस ट्रांजिस्टर के ऊपर शोल्डर कर देंगे शोल्डर मशीन की मदद से। अब यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को मैंने शोल्डर कर लिया है। अब जो बीच वाले पॉइंट्स रह जाते हैं दोस्तों उन्हें हम पे वायर शोल्डर करनी होगी। अब जो इसके एक्स्ट्रा लेग्स है दोस्तों उसे मैं नेल कटर की मदद से कट कर लेता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। लेकिन हाँ इसे ज़्यादा कट मत कीजिए वरना आपको बाद में प्रॉब्लम होगी शोल्डर करने में। अब यहाँ पर मैंने जो कैपेसिटर लिया था उसके भी लेग्स बड़े हैं तो मैं उसे भी जल्दी से कट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, ये जो कैपेसिटर होता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इसमें आप एक स्ट्रिप देख सकते हो जैसा कि मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आपको। इस स्ट्रिप को आपको हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ में शोल्डर करना है। अगर आप इसे उल्टा शोल्डर कर देते हो तो दोस्तों याद रखिए ये ब्लास्ट हो जाता है, तो फिर आप इसे कभी भी उस तरीके से शोल्डर मत कीजिए।
अब यहाँ पर हमारा सर्किट जो है पूरी तरह बनकर रेडी हो चुका है। काफ़ी छोटा सर्किट है और इस सर्किट के मदद से आप डायरेक्टली टीवी रिमोट कंट्रोल की मदद से, चाहे आप कोई भी टीवी रिमोट कंट्रोल यूज़ करो, उसकी मदद से ये कार चला पाओगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारी मोटर है उसके ऊपर मैं दो वायर शोल्डर कर लेता हूँ, क्योंकि अब हमारे वायरिंग का पार्ट आ गया है। अब यहाँ पर हमारी जो दो ब्लैक वायर है जो बैटरी की तरफ से आ रही है और एक मोटर की तरफ से आ रही है, उन दोनों ब्लैक वायर्स को मैं कुछ इस तरीके से आयर रिसीवर के मिडल वाले लेग में शोल्डर कर दिया है। जो वोल्टेज का वायर है जो बैटरी की तरफ से आ रहा है उसे मैं इस तरीके से यहाँ पे राइट हैंड साइड के लेग्स पे शोल्डर कर दे रहा हूँ, और जो ट्रांजिस्टर का मिडल वाला लेग है उसके ऊपर मोटर का प्लस वायर मैं शोल्डर करने वाला हूँ। दोस्तों बेफिक्र रहिए, इसका सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा, वरना आप सोचोगे कि हम ये कैसे करेंगे। बेफिक्र रहिए, आपको इसका सर्किट डायग्राम ज़रूर मिलेगा। तो अभी यहाँ पे दोस्तों मैं इसे हॉट ग्लू गन की मदद से इस डीसी मोटर के ऊपर डायरेक्टली चिपका दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे कहीं कवर कर लेता हूँ तो हमारा कनेक्शन जो है रिमोट का आयर रिसीवर तक पहुँच नहीं पाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो साइकिल है वो बनकर रेडी है। अब बात आती है इसमें बैटरी लगाने की। तो बैटरी के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है 18650 लिथियम आयन बैटरी। तो ये एक रिचार्जेबल बैटरी होती है, हम इसे रिचार्ज कर सकते हैं TP4056 की मदद से। उसकी वीडियो भी मैंने अलग से बना रखी है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दिया है और इसी के साथ हमारी जो साइकिल है वो बनकर रेडी है। इसमें कोई भी स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जब आप टीवी रिमोट कंट्रोल का कोई बटन प्रेस करोगे तभी ये चलेगी, उसके अलावा ये चलेगी नहीं। हमारी साइकिल बनकर रेडी है और मुझे ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और दोस्तों इसके अंदर आप बता सकते हो मुझे कमेंट करके मैं और क्या एक्स्ट्रा लगा सकता था। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ले लिया है एक टीवी रिमोट कंट्रोल और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो साइकिल है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, कहीं भी अटक नहीं रही है, जब भी मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ तब भी ये वर्क कर रही है। दोस्तों मुझे काफ़ी दोस्त मुझे कमेंट करके बता रहे हैं, कमेंट करके लिख रहे हैं कि ये फेक वीडियो है, कोई और कहीं और से रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको कमेंट में ही उसका जवाब दे दूंगा। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जो सर्किट है दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक अलग से पूरी एक्सप्लेन करके वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये टीवी रिमोट कंट्रोल का छोटा सा सर्किट वर्क करता है। तो गाइस आपको ये साइकिल कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों आप कमेंट करोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं किस तरीके की वीडियो आपके लिए लाऊं, जो वीडियोस पे ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक पे रहेंगे मैं उस टॉपिक की वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। दोस्तों आप कमेंट करके ये भी बताइए कि ये जो साइकिल है आपको कैसी लगी, इसमें आप अगर और कुछ चीज़ ऐड करवाना चाहो, जैसे कोई LED बल्ब, जैसे मैंने इसमें कोई हेडलाइट नहीं लगाई, मैं चाहता था तो कोई LED बल्ब लगा सकता था, ताकि जब भी मैं बटन प्रेस करूं मोटर को जो करंट जा रहा है वही करंट सेम डायरेक्टली हमारे LED बल्ब को जाकर एक हेडलाइट की तरह काम करे, तो वो भी मैं लगा सकता था। तो आप कमेंट करके बताइए कि मैं और क्या कर सकता था इसमें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने इसके आगे का जो टायर है उसको थोड़ा सा बेंड कर दिया था, तो वो टर्न भी ले पा रहा था अच्छे से। तो आगे का जो टायर है अगर मैं उसे कुछ इस तरीके से बनाता कि मैं उसे बार बार हिला सकता, तो मेरी जो ये साइकिल है ये टर्न भी ले पाती थी, जैसा कि आप अब भी देख रहे हो ये टर्न भी ले पा रही है। तो दोस्तों मुझे तो ये चलाकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आप मुझे बताइए कि आप ऐसी गाड़ी कब बनाने वाले हो, कमेंट में ज़रूर से बताइए। दोस्तों इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको कई और भी वीडियोस मिलेंगे, उस वीडियोस को भी ज़रूर से चेक कीजिए। मैंने मेरे चैनल पे रिमोट कंट्रोल कार से लेकर पावर बैंक्स, ब्लूटूथ स्पीकर, ऐसी कई वीडियोस बनाई है, आप उसे भी ज़रूर से चेक कीजिए। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों ज़रूर से एक लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट कीजिए, जो भी चीज़ आपको लगती है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, स्टे क्रिएटिव, चीज़ें बनाते रहिए लेकिन सेफ रहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए।